हेलो न्यूज़, आई होप कि सब ठीक होंगे। तो बारबेंडिंग शेड्यूल, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें जितने भी बारबेंडिंग शेड्यूल्स हम फील्ड में बनाते हैं रेनफोर्समेंट के लिए, वो किस तरह से हम तैयार करते हैं, किन बेसिस पर तैयार करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमने याद रखने होते हैं किसी भी बारबेंडिंग शेड्यूल को तैयार करने में। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल बीम से स्टार्ट किया है कि हम एक सिंपल बीम को सॉल्व करेंगे, आगे किसी कॉम्प्लिकेटेड बीम को करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे मेंबर्स वो हम करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है बीम का। एक सिंगल स्पैन बीम है ये। सिंगल स्पैन का मतलब है कि ये दो कॉलमों के बीच में ये बीम जा रहा है, तो ये सिंगल स्पैन बीम हो गया। आगे मल्टीपल स्पेंस का भी करेंगे जो कि डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर से होके गुजरता है बीम, और उसका हम बारबेंडिंग स्केड्यूल बनाएंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट लेता हूँ इस बीम की जो डायमेंशन है वो ये है कि 24 फुट लेंथ है इस बीम का। साथ में इसके जो डेप्थ है वो 24 इंच और इसकी जो वेथ है वो 18 इंच की है, अगर आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक टर्म्स यूज़ की है, L/3, L/8 का, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। L/3 और L/8 जो है ये स्ट्रक्चरल फिनोमिनाज हैं, स्ट्रक्चरल एक किस्म से आप कह सकते हैं, इस इन स्ट्रक्चरल टर्म्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। L/3 क्या है? L/3 जो है मैक्सिमम शेयर जोन है, और ये L/3 मैक्सिमम शेयर जोन है, ये L/3 मैक्सिमम बेंडिंग जोन है। अब किस तरह से मैक्सिमम शेयर और किस तरह से मैक्सिमम बेंडिंग जोन्स हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई फ्री एंड होता है वो सपोर्ट से जितना दूर होता है फ्री एंड, उधर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होते हैं, और जो फिक्स्ड एंड होता है वहाँ पर मैक्सिमम शेयर फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, ये हमारा कॉलम है और जिसने इस बीम को इस पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है, तो ये हमारा फिक्स्ड, यहाँ पर ये फिक्स्ड एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम शेयर होता है। तो हम इस कॉलम के फेस से जो टोटल वेथ, सॉरी लेंथ है, इसको 3 पर डिवाइड करते हैं जिसको L/3 हम बोलते हैं। ठीक है, और हम इस फेस से लेकर उसी L/3 के हिसाब से यहाँ तक आ जाते हैं जो कि हमारे पास मैक्सिमम शेयर एरिया होता है। L/3 अगर हम 24 फुट का ले लें तो वो 8 फुट होता है। L जो है वो हमारा ये टोटल लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा L/3 इज इक्वल टू 8 फुट यहाँ से आ जाते हैं, और L/3 इज इक्वल टू 8 फीट यहाँ से आ जाता है, ये मैक्सिमम शेयर जोन है। और ये जो L/3 है यानी कि सेंटर वाला, ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाला जोन होता है, और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आप इसको कह सकते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक और टर्म होता है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाता है, तो मैंने फील्ड में कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम डिसाइड करते हैं कि ये मैक्सिमम शेयर जोन है या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जोन है। ठीक है, वो आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं और इन कैलकुलेशन से सीखना है कि किस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल बीम है। जब भी आप लोगों ने किसी भी बीम की बार बेंडिंग शेड्यूल बनानी होती है तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन काटते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके मैंने दो सेक्शन बनाए हैं, कभी कभी एक सेक्शन भी दिया होता है वो उस बीम में देते हैं जहाँ पर हमारे पास पूरे का पूरा बीम जो होता है वो सेम सेक्शन का होता है। यहाँ पर ये हमारे पास मिड सेक्शन पर डिफरेंट है और एंड सेक्शन पर डिफरेंट है, या इसको मैंने सेक्शन AA बोला है जो कि एंड सेक्शन है, इसको मैंने सेक्शन BB बोला है जो कि मिड सेक्शन है। ठीक है, तो एंड सेक्शन हमारा डिफरेंट है, यहाँ पर अगर आप देख ले बॉटम बार्स डिफरेंट है, मिड सेक्शन पर डिफरेंट है, टॉप बार्स जो है ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इस वजह से मैंने इसके दो सेक्शंस लिए हैं। तो जब भी आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी होती है उसके लिए आपने इसकी जो मिड सेक्शन और एंड सेक्शन है ये कंसीडर करने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख ले हमारे पास इस बीम की जो डायमेंशन है वो ये है कि 24 फुट इसका लेंथ है, और इसकी हमने L/3 और L/3 जो लिए हैं वो 8 8 फुट के 3 जोन्स में हमने इस बीम को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 जोन्स की रीज़न तो मैंने बता दी है जो कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि जो इसकी रेनफोर्समेंट की डिटेल है वो कुछ यूँ है कि एंड सेक्शन पर जो है हमारे पास 4 नंबर चेके बार्स हैं, अगर आप देख ले 4 नंबर चेके बार्स टॉप पर,
एंड सेक्शन। देखिए मैंने ये टेबल बनाई हुई है, जब भी आप लोगों ने कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने होते हैं उसमें ये टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों ने ये टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो इस टेबल में अगर आप देखें तो टॉप बार्स मैंने सबसे पहले लिखे, टॉप बार्स, फिर बॉटम बार्स, फिर स्टेरअप्स लिखा है। ठीक है, तो टॉप बार्स क्या है? टॉप बार्स दरअसल इन दोनों सेक्शन में जो टॉप बार्स हैं वो मैंने लिखे हैं। टॉप बार्स एंड सेक्शन पर अगर आप देखें तो एंड सेक्शन ये है जहां पर हमारे पास चार बार आपको नजर आ रहे होंगे, सिर्फ चार बार्स है यहां पर, क्योंकि मैंने लिखे हैं चार। और ये नंबर छह के बार्स है, आप इधर भी देख सकते हैं चार नंबर छह के बार्स, और यहां पर मैंने मेंशन भी किए हैं कि चार नंबर छह के बार्स है। ठीक है, उसके बाद जो मिड सेक्शन है, मिड सेक्शन के टॉप बार जो है वो टू नंबर सिक्स है, अगर आप यहां पर देख लें तो ये टू नंबर सिक्स है। ठीक है, उसके बाद बॉटम बार है, बॉटम बार अगर आप एंड सेक्शन पर देखें तो टू नंबर सिक्स है, और अगर आप मिड सेक्शन पर देखें तो ये थ्री नंबर सिक्स है। ठीक है, इसके बाद स्टिरप्स जो है, स्टिरप्स अगर आप एंड सेक्शन पर देखें तो एंड सेक्शन पर है नंबर थ्री एट द रेट ऑफ सिक्स इंचेस सेंटर टू सेंटर, यानी कि नंबर तीन का बार यूज हुआ है छह इंचेस सेंटर टू सेंटर। यहां पर अगर आप देखें तो इनकी जो स्पेसिंग है एंड सेक्शन पर यहां से लेके यहां तक ये छह इंचेस सेंटर टू सेंटर है ये एंड सेक्शन पे। और अगर मिड सेक्शन में देखो तो मिड सेक्शन पर मैंने लिखे हैं नंबर तीन एट द रेट ऑफ आठ इंचेस सेंटर टू सेंटर। ये पता आपको सेक्शन से लगेगा, या फिर यहां पर इन्होंने मेंशन किया होगा कि जो भी डिजाइनर होता है वो मेंशन करता है, नॉर्मली जितने भी सेक्शन होते हैं सेक्शन के अंदर मेंशन किया जाता है कि स्टिरप्स कितने स्पेसिंग पर है। ठीक है, तो ये तो हमारे जो डिटेल है वो हो गई इस बीम की, कि ये डिटेल है। अब इसको इस्तेमाल करके आप लोगों ने आगे इसकी जो बार बेंडिंग शेड्यूल है वो बनानी है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो काम किया हुआ है वो मैंने किया है जिस तरह से, कि सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है टॉप बार्स को। ठीक है, कि टॉप बार्स को हमने किस तरह से लेना है। तो यहां पर अगर आप इसके अंदर देखिए, टॉप बार्स को मैंने लिया है टू नंबर सिक्स। यहां पर अगर आप देखिए तो टॉप बार्स है एंड सेक्शन और मिड सेक्शन के। अब यहां पर एक चीज जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि मैंने एक टर्म लिखी है थ्रू बार्स। थ्रू बार्स होती क्या है? थ्रू बार्स दरअसल वो बार्स होते हैं जो कि बोथ एंड सेक्शन यानी इस सेक्शन में और मिड सेक्शन में, इन दोनों सेक्शन में जो बार्स होते हैं वो थ्रू बार्स होते हैं। थ्रू बार्स का मतलब ये होता है कि वो थ्रू आउट दिस लेंथ आपको देखेंगे। जिस तरह से अगर आप इन रेड बार्स को देखिए, यह मैंने रेड जो मेंशन की है, ये आपको पूरे इस सेक्शन में नजर आ रहे होंगे, यहां पर भी और बॉटम में भी आपको थ्रू बार्स नजर आ रहे हैं। थ्रू बार्स जो कि थ्रू आउट द लेंथ आपको दिए गए हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है थ्रू बार्स लिए हैं कि थ्रू बार्स कितने हैं हमारे पास। अब यहां पर अगर आप देख लें, ये जो रेड मैंने कट किए हैं मिड सेक्शन पर, ये दो बार आपको नजर आ रहे हैं, और एंड सेक्शन पर भी ये आपको दो बार जो रेड है रेड ये नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये रेड जो है ये थ्रू बार है जो कि सिर्फ दो है, इसलिए हमने यहां पर दो नंबर छह के बार्स को कंसिडर करना है। ठीक है, जो कि टॉप बार्स है। अब वो थ्रू बार्स की जो लेंथ है वो लेंथ हमने कैसे लेनी है, मैं यहां सबसे पहले आपको समझा देता हूं, फिर मैं फार्मूले पे ले जाता हूं आपको कि फार्मूला हमने किस तरह से लिया। अगर आप देखें तो इन थ्रू बार्स की जो लेंथ है वो एक तो इस बीम की जो लेंथ है इसके बराबर है, प्लस अगर आप देखें तो यहां से ये आगे यहां तक आ जाता है। ठीक है, तो बीम की जो लेंथ है वो तो इसकी ओरिजिनल लेंथ हो गई, लेकिन इसके बाद जो आ रहा है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ अलहदा से एक टॉपिक है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है जो किसी भी एक मेंबर को दूसरे मेंबर के अंदर एम्बेड करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि दो मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए रिइंफोर्समेंट का जो हिस्सा यूज होता है उसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बाद में हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे ये एक फार्मूला है उसके थ्रू कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका डेवलपमेंट लेंथ है जो कि यहां से इधर तक है, बाकी इसकी अपने लेंथ है। ठीक है, अब अगर आप फार्मूले को देखें तो फार्मूले में मैंने लिखा है लेंथ ऑफ दिस थ्रू बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम प्लस टू इनटू डेवलपमेंट लेंथ। अब किस तरह से मैंने लिया है, अगर आप देखिए लेंथ ऑफ दिस बीम प्लस दिस डेवलपमेंट लेंथ प्लस दिस डेवलपमेंट लेंथ, इसलिए मैंने टू टू से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब डेवलपमेंट लेंथ मैंने किस तरह से मालूम करनी है, तो डेवलपमेंट लेंथ के लिए जो बुक्स ने यानी कि नेल्सन को हम यूज करते हैं या फिर एसीआई कोड को हम यूज करते हैं, वहां पर जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। यहां पर फील्ड में हम जनरल फार्मूला जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है और उसी के बराबर होता है जो कि हम निकाल लेते हैं उस
एसीआई के फार्मूले से या फिर नेल्सन के फार्मूले से, ठीक है, वहां से हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पर हम ये करते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ को हम इस फार्मूले से, जो कि एक सिंपल फार्मूला है, इससे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब वहां पर जो होता है डेवलपमेंट लेंथ की जो कंडीशन है वो कुछ यू है कि ये हमारे पास किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है हमारे पास। एक होता है डायमीटर ऑफ बार और दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। इन दो चीजों पर जो है ये डेवलपमेंट लेंथ डिपेंड करता है। यहां पर जो हमने फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला यूज किया है, ये डेवलपमेंट लेंथ किस तरह से डिपेंड करता है, इसके लिए मैं अलग से एक फार्मूला है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से इसमें डायमीटर और स्ट्रेंथ आ जाता है। यहां पर मैंने जो सिंपल फार्मूला यूज किया है वो ये है कि कॉलम डेप्थ माइनस कॉन्क्रीट कवर प्लस 1 फीट। अब किस तरह से मैंने यूज किया है, कॉलम डेप्थ क्या चीज है, कॉलम डेप्थ हमारे पास होता है इस कॉलम का जो ये सेक्शन है ना, इसको कॉलम का डेप्थ बोलते हैं, जो कि कॉलम का कोई भी अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इस क्रॉस सेक्शन में जो बीम है, बीम इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, ठीक है। तो ये जो लेंथ हो गया ना, ये हमारे पास कॉलम डेप्थ है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉलम डेप्थ है वो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ 24 इंच का है। तो यहां पर कितना आया, 24 इंच कॉलम डेप्थ हो गया माइनस कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर मैंने क्यों लिया है, देखिए ये जो बार है, ये बार अगर यहां से आएगा तो इधर तक आ जाएगा, बाहर तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो हमने इधर एक प्रॉपर कंक्रीट कवर देनी होती है, ठीक है। तो यहां मैंने कंक्रीट कवर इससे माइनस किया हुआ है, इधर माइनस 1.5 इंच का कंक्रीट कवर हम कॉलम में देते हैं प्लस 1 फीट, ठीक है। 1 फीट क्या है, 1 फीट ये जो लेंथ है ना, ये 1 फीट होता है, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स मैंने लिए है, कॉलम डेप्थ माइनस कंक्रीट कवर प्लस 1 फीट। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको कि अब यहां पर देख ले कि ये जो लेंथ है यहां से स्टार्ट होता है डेप्थ, ये टोटल डेप्थ हो गया, ठीक है। इसमें से मैंने कंक्रीट कवर माइनस की क्योंकि इसने बेंड होना है कंक्रीट कवर से पहले, एंड से पहले, जो कि कंक्रीट कवर के बराबर होता है, प्लस ये 1 फुट का लेंथ हो गया। तो ये हमारे पास 24 इंचेस माइनस 1.5 इंचेस प्लस 1 फीट। तो ये टोटल जो बनता है ये कैलकुलेशन करके 2.875 फीट बनता है। यानी कि हमने यहां से अगर इसको प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ देनी है तो उसकी लेंथ होगी 2.875 फीट, और वो 2.875 फीट हमारे पास 22 इंच इसमें से इस तरफ आएगा और जो 1 फीट है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको दो में से मैंने मल्टीप्लाई भी किया है, अगर आप देखिए लेंथ इज इक्वल टू 24 फीट प्लस 2 इंटू 2.875 फीट, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो इस बार का लेंथ है, ये टॉप बार है, ये यहां तक, ये हमारे पास हो गया टोटल 29.75 फीट, ठीक है। यानी कि 29 फुट और 9 इंचेस, ये हमारे पास इस बार का जो कि टॉप बार है, मेन बार, इसकी लेंथ हो गई। और इसको मैं बोलूंगा टॉप बार थ्रू बार, ये थ्रू बार है, ये जो रेड बार है ना, ये थ्रू बार है, ठीक है। और नंबर ऑफ बार हमारे पास कितने हैं, अगर आप देखिए इसके सेक्शन है तो टॉप बार जो है थ्रू, ये सिर्फ 2 बार्स हैं, जो कि यहां पर भी नजर आ रहे हैं और यहां पर भी नजर आ रहे हैं। तो ये बार सिर्फ 2 है, इसलिए नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 2। टोटल लेंथ हो गया 2 × 29.75 फीट, तो हो गया टोटल 59.5 फीट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टॉप बार्स की लेंथ। यहां पर जो 2 बार्स यूज हुए ना, ये रेड कलर की, इसकी लेंथ हो गई कितनी,